बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आईटी इंफोटेनमेंट की शानदार वीडियो में आपको खुश आमदेद। आज का टॉपिक बहुत अहम और बहुत यूज़फुल है। आज मैं आपको एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जिसमें आप मल्टीबूट यूएसबी बहुत आसानी से बना सकते हैं और ये 100% वर्क करता है। एक ही यूएसबी में तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटीज़ भी कॉपी कर सकते हैं। और सबसे कमाल ये कि यूएसबी ड्राइव बायोस और यूईएफआई मोड दोनों पर वर्क करती है। इसको बनाने का तरीकाकार नहायत आसान है और ये सॉफ्टवेयर भी बिल्कुल फ्री है। इसके लिए किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं। मल्टीबूट बनाने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर एक, हाई कैपेसिटी फ्लैश ड्राइव। ये डिपेंड करता है कि आपने कितने ओएस रखने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फ्लैश ड्राइव की कैपेसिटी होनी चाहिए। नंबर टू, वेंटवे सॉफ्टवेयर। सारा काम इसी सॉफ्टवेयर का है। इसमें हम फ्लैश फॉर्मेट करेंगे तो इसी दौरान बूटिंग की तमाम फाइल्स और सेटअप भी कॉपी हो जाएगा। और तीसरे नंबर पर हमें उन तमाम ओएस के आईएसओ चाहिए जो हम फ्लैश ड्राइव में रखना चाहते हैं। आईएसओ क्या है और कैसे बनाया जाता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसमें आपको आईएसओ के बारे में तमाम तफसीलात मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, एंड्रॉय फॉर विंडोज़ डाउनलोड कर लें। डाउनलोडेड जिप फाइल को अनजिप कर लें। वेंटायर टू डिस्क को ओपन करें। ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। डिवाइस में से आप अपनी यूएसबी सेलेक्ट कर लें। मेक श्योर कि आपने करेक्ट यूएसबी सेलेक्ट की है क्योंकि ये फॉर्मेट कर देगा। तो इंस्टॉल पे क्लिक करने से वो वार्निंग मैसेज देगा कि इस डिस्क को फॉर्मेट करना है। तो अगर आपका डाटा नहीं है तो आप उसे येस कर दें, फॉर्मेटिंग स्टार्ट हो जाएगी और इसके साथ साथ ही वो तमाम फाइल्स, सिस्टम फाइल्स भी इसमें कॉपी कर देगा। कंप्लीट होने पे कंग्रेचुलेशन के मैसेज को ओके कर दें। तो ये हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस यूएसबी ड्राइव को ओपन करेंगे एक्सप्लोरर के थ्रू और इसमें उन तमाम ओएस के आईएसओ कॉपी कर देंगे। सिंपली हमने जस्ट आईएसओ कॉपी करने हैं और कुछ भी नहीं करना। वक्त बचाने के लिए मैं क्लिप को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो इसी तरह आप तमाम आईएसओ इसमें कॉपी करते जाएंगे। फ्लैश ड्राइव में ये तमाम आईएसओ कॉपी हो चुके हैं। तो अब सिंपली हम फ्लैश को इजेक्ट कर देंगे और उस सिस्टम के साथ कनेक्ट करेंगे जिसको हमने बूट करवाना है। फ्लैश में बस यही सेटअप है, इसके अलावा हमने और कुछ भी नहीं करना। तो अगर आप कोई नया आईएसओ ऐड करना चाहते हैं तो आप सिंपल इसमें कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यूएसबी कनेक्ट करके बूट मेन्यू में जाता हूँ। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लेगेसी मोड में भी फ्लैश ड्राइव शो हो रही है और यूईएफआई में भी। तो इसका मतलब है कि ये फ्लैश दोनों पे काम करती है। तो हम वन बाय वन इनमें से ट्राई कर लेंगे। पहले मैं लेगेसी पे ट्राई करता हूँ। यूएसबी बूट पे क्लिक किया तो हमारे सामने फ्रंट आई ओपन हो गया और तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम की लिस्ट आ गई जो हमने इसमें कॉपी किए थे। तो अब हम वन बाय वन रन करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं पासवर्ड रीसेट टूल ओपन करता हूँ। तो देखें, वो पासवर्ड रीसेट टूल से बूट हो गया है और एप्लीकेशन भी ओपन हो चुकी है। अब नेक्स्ट हम यूईएफआई मोड से बूट करके देख लेते हैं। तो इसमें से भी फ्लैश ड्राइव बूट हो रही है। अब मैं विंडोज़ 10 का सेटअप रन करके देख लेता हूँ। सो विंडोज़ 10 का सेटअप भी रन हो रहा है। अब विंडोज़ एक्सपी ट्राई करते हैं। तो विंडोज़ एक्सपी जो है वो यूईएफआई को सपोर्ट नहीं करती, तो उसके लिए हमें लेगेसी बूट में ही जाना पड़ेगा। बूट करने के बाद मैं विंडोज़ एक्सपी SP3 सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखें, विंडोज़ एक्सपी का सेटअप भी रन हो चुका है। तो नेक्स्ट अब हम यूबुंटू को ट्राई कर लेते हैं। यूबुंटू लिनक्स का सेटअप भी रन हो गया है।
लास्ट में एक बार हम हायरन बूट को ट्राई कर लेते हैं। तो देखिए हायरन बूट भी रन हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। आईटी इंफोटेनमेंट को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।